अपने बच्चे को जन्म देना किसी भी माँ के लिए उसके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। लेकिन जब वही बेटा अपनी माँ को जीते जी अकेला छोड़कर चला जाए तो माँ के दुख का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है उत्तरकाशी के सिलक्यारिया टनल में फंसे एक मजदूर की माँ का। बिहार के रहने वाले 23 साल के दीपक कुमार मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखते हैं, जो सिलक्यारिया टनल में फंसे हुए हैं। दीपक के मामा अभय कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम 6 बजे पाइपलाइन के जरिए दीपक से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि दीपक फिलहाल ठीक है, लेकिन दीपक के घर वालों को चिंता सता रही है। आज हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए, और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि हाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। पूछे कि हाँ क्या स्थिति है तुम्हारा, तो बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो है ही अंदर, खाने पीने से लेकर रहने तक, लेकिन बोला कि ठीक है। हम लोग भी बोले कि नहीं, पूरी सरकार लगी हुई है, जितना जल्द से हो सके तुम लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं, और क्या बोले। दीपक ने अपने मामा अभय कुमार सिंह को बताया कि उनकी मां को यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि वह ठीक है। लेकिन अब बेटे की याद के गम में दीपक की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है और काफी बीमार है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि घर से जो फोन कॉल आ रहा है, हम क्या जवाब दे उन लोगों को, क्या बोले, यही कैसे लोग जी रहे हैं घर पे, वो तो हम ही लोग समझ रहे हैं। अभय कुमार सिंह ने ये भी बताया कि रोज यहाँ कहा जाता है कि आज सभी मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। कुल 1 सप्ताह से सब लोगों का स्थिति खराब है। सदस्य हैं ऐसे जो घर पे खाना पीना छोड़ दिया है? जैसे हमारी दीदी हो गई, हमारे जीजा हो गए, हमारी मम्मी वगैरह, सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी ओर टनल के बाहर पुजारी के द्वारा भगवान से पूजा कर प्रार्थना की जा रही है कि मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएं।